अच्छा दलेर पाजी के बारे में सब जानते हैं, पॉप कल्चर लेके आना और दुनिया भर के, मेरे को नहीं लगता कोई एक कंट्री बची होगी, हो सकता है एक कंट्री में छः छः किए हों, लेकिन छोड़ा इन्होंने कोई भी देश नहीं है, चाहे आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्पेन, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ओमान, कुवैत। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपका पासपोर्ट इतना मोटा है कि उसको उठाने के लिए आपने अलग से बंदा रखा है। कोई बोल रहा था, कहते दलेर पाजी का पासपोर्ट 3.5 किलो का है। ऐसे ऐसे अर्चना जी मेरे को और सवाल पूछनी थी, कहती दलेर पाजी आए तो उनसे पूछना जब आप नहाते हो उसके बाद पहले आप कपड़े पहनते हो कि गहने पहनते हो। इसकी एक बात को बिलीव मत करना पाजी, आप एक भी बात को। पर आपकी नॉलेज के लिए कि सच्ची, नहाने के बाद पहले बहुत सारे गहने मैं अंदर पहनता हूँ, बहुत सारे। और एक दो काम चला ऊपर। तो अभी आपको किडनैप कर लिया जाए तो कितने माल की पार्टी? भाई चलता फिरता 1.5-2 करोड़ है। अच्छा विशाल सर ने मैम फिल्म बनाई थी कमीने, हाँ जी, उसके बाद इनका बेटा आसमान जो है वो फिल्म बना रहा है कुत्ते। तो आपने विशाल सर को कहा नहीं कि आप ही ने बिगाड़ा है, आपने कमीने बनाई, अभी ये कुत्ते बना रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि एक ही घर में रह के दो दो प्रोडक्शन क्यों नहीं, विशाल सर और आसमान मिलके ही कुत्ते कमीने क्यों नहीं बना रहे? अच्छा सजेशन है। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान स्क्रिप्ट लेके गए होंगे किसी एक्टर के पास, सर हम कुत्ते बना रहे हैं और आपको कास्ट करना चाहते हैं। पर बहुत टैलेंट है आपके घर में मैम। थैंक यू। पवन सर की फिल्में आपने देखी हैं, सलीम लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में की हैं। अरे याद है इनको। फिर इन्होंने जुड़वा 2, रुस्तम, मुबारक जैसी कमर्शियल फिल्में की। पाजी आपको कब रियलाइज हुआ कि सिर्फ तारीफ से नहीं पेट भरना, पैसे भी कमाते हैं? वो तो आइडिया मेरे बड़े पहले से आया, प्रोड्यूसर्स को अभी तक वो आइडिया समझ नहीं आया। भाई पैसे तो हम तब भी मना नहीं करते थे, देते नहीं है वो अलग बात है, आज भी नहीं देते। बड़ी खुशी हो, हेलो भाई, हेलो रेखा जी, हेलो बलेर जी, हेलो कमल जी जी, हेलो पवन जी, हेलो रणवीर जी, हेलो गगन जी, हेलो शर्मा जी, हेलो अर्चना पूरन सिंह जी, एक मिनट जरा रुकेगा, मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी, हेलो भैया जी, हेलो बहनोई जी, हेलो। ये क्या कर रहे हैं यार, इधर बैठ गया आप। एक हेलो निकला है तो दूर तलक जाएगा, है कि नहीं? भाई चलता है, ये सब चलता रहता है। ओहो आप लोगों से देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं अपना तारुफ दे दूं? हाँ। भाई मैं हूँ दामोदर अपॉलोजी। ये कैसा सरनेम हुआ? नहीं रणवीर सॉरी हो सकता है तो हम अपॉलोजी नहीं हो सकते। एक मिनट, बड़ा तो यहाँ है, छोटा वाला तबला कहाँ है? लेकिन मैं आपसे कह रहा था तबर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। टब्बर आ चुकी है? आ चुकी है, आज नहीं, मैं थिएटर में गया था, अभी टिकटें नहीं मिल रही थी टब्बर की, इसीलिए घर बैठ के देख लीजिए आप, सोनी लिफ्ट पे देखिए, सोनी लिफ्ट पे देखिए आप, सोनी लिफ्ट पे आ रही है, हाँ आ चुकी है। अरे तो फिर हम कहाँ पे आ रहे हैं अगर ये सोनी लिफ्ट पे आ रहे हैं? हमारा शो सोनी टीवी और सोनी लिफ्ट दोनों पे आता है ना, तो ये दोनों पे क्यों नहीं आते हैं? इनकी सीरीज है इसलिए सोनी लिफ्ट पे आ रही है। अरे तो हम क्या आलू हैं जो गोभी के साथ भी आ रहे हैं, मटर के साथ भी आ रहे हैं? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब? फालतू की बातें कर रहे हैं इसलिए हम दोनों पे आ रहे हैं, ये सयानी बातें कर रहे हैं इसलिए एक पे। आप इधर क्या करने आए हैं? मैं देखिए दुनिया में करने तो बहुत बड़े बड़े काम आया था, वो हो नहीं रहे तो उनको छोड़ देते हैं। दलेर जी जी, दलेर जी आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? भाई आप भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, लेकिन एक फर्क है। क्या? वो सुर में गाते हैं। सुर में मत गाइए, सुर में मत गाइए, माइक में गाइए।
माइक में गाएंगे तभी तो सबको सुनाई देगा। बिल्कुल। अब देखिए सुर में गा के भी फाइनली माइक में गाना ही पड़ता है, तो सुर को बीच में ला क्यों रहे, सीधा माइक में गा। मैं यही करता हूँ। वेरी गुड, एग्जैक्टली। वैसे पवन जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन। किकू जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक कंप्लेन है मुझे आपसे। जी देखिए ना, ये फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, आप मिल्खा सिंह को भागना सिखा रहे थे। हाँ। फिर वो अपनी फिल्म आई थी आपकी जब वी मेट, करीना कपूर भागना चाह रही थी, आप उसे भागने से रोक रहे थे। जिंदगी में एक राह पकड़ो दोस्त। अगली फिल्म में ऐसे करूंगा। भागना है कि नहीं भागना है? उनका छोड़ो, आप तो भागा करो। मैंने कहा बैंक से लोन लिया है जो मैं भागू। कोई अपना तो सीधा उसूल है, मैं ना लोन लेता हूँ ना जीवन में कोई लोड लेता हूँ। अच्छा। एक टाइम पे मैं एक ही केस हाथ में लेता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि तीन केस तो मुझ में ही चल रहे हैं ना यार। पर केस हुआ क्यों आप पे, क्या हुआ? अरे यार, एक फालतू का केस हो गया मुझ पे, आपको सच बताऊं रेखा जी, कोई बात नहीं थी। अच्छा। मेरा एक बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा। हमारे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा भाई तू 1000 रख ले, मैं 1000 रख लेता हूँ। वो कहता है नहीं। मैंने कहा यार तू 1200 रख ले, मैं 800 रख लेता हूँ। कहता है नहीं मुझे पूरे पैसे चाहिए। मैंने कहा यार जस्ट बिकॉज ये पर्स तेरा है इसका ये मतलब नहीं। यार इतनी सारी भीड़ में मैंने तुझे आइडेंटिफाई किया, तुझ तक पहुंचा, तेरी जेब में हाथ डाला निकाला। मेहनत का इतना भी नहीं मिलेगा मुझे, इस बात में मुझ पे केस कर दिया। रेखा जी, इश्क का जीरा होगा आपके पास। इश्क का जीरा क्या होता है? गाने में नमक इश्क का हो सकता है तो इश्क का जीरा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ इश्क का जीरा ही नहीं, आप इश्क की हल्दी भी रखिए, इश्क की मिर्ची रखिए, इश्क का धनिया रखिए। इश्क में धोखा बहुत होने का है, आप इश्क का मसाला खाते हैं। अच्छा आइडिया है। है कि नहीं? आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। और ये बनाओ, घाघरा बनाया कैसे आपने? बड़ी वाली एम्बेसडर गाड़ी नहीं होती, उसका कवर उठा के सिल लिया इन्होंने। लेकिन मैं एक वकील हूँ, एक सलाह दूंगा आप। बात मानिएगा जी, घाघरा जो टर्म है ना घाघरा, इसे आप पेटेंट करा लीजिए। क्यों? पेटेंट करा लीजिए, फिर दुनिया में कहीं भी कोई भी घाघरा पहनेगा आपको पैसे मिलेंगे। मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिर घाघरा से इतना पैसा आएगा आप आगरा खरीद लीजिएगा। उनको नहीं खरीदना आगरा ना, तो फिर बगदाद खरीद लीजिएगा। वो क्यों खरीदेंगी? अरे यार लेडीज शॉपिंग करने निकलती हैं, कुछ ना कुछ खरीदती है यार। है कि नहीं? सही बात है। अरे वकील साहब क्या बात है, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया। बताइए। गेट आउट। कब से आए दिमाग खा रहे हैं आप हमारे मेहमानों का? चलिए मैं चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खाली कह रहा था कि मैं गेट आउट तो हो जाऊंगा, मुझे वैसे भी ना 4 बजे का मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, वो भी अटेंड करना है। अच्छा, आपका कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं नहीं, क्या 4 बजे हम सब मिलके साथ में अपने कपड़े प्रेस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक रखा है, ठीक है? मैं चलता हूँ, चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.